प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी की बड़ी जीत, गोपालगंज में बीजेपी ने लहराया परचम। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड में प्रशांत किशोर ने जनता से किया संवाद, सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। बेतिया में रामनगर थाना परिसर में लगा जनता दरबार, तीन भूमि विवादों का किया गया निपटारा। मोतिहारी में सद्भावना बचाओ देश बचाओ सम्मेलन का आयोजन, उपेंद्र कुशवाहा ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। सोनपुर में लगेगा विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला, मेले को लेकर लोगों में दिखा काफी उत्साह। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। राजगीर में श्री गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाशोत्सव समारोह के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु नानक शीतल कुंड पहुंचकर नवनिर्मित गुरुद्वारा एवं यात्री निवास का उद्घाटन किया। इसके पूर्व सीएम ने गुरुद्वारे में मत्था टेका, बिहार में अमन चैन एवं तरक्की की कामना की। इस अवसर पर सीएम नीतीश ने गुरु नानक देव जी के जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राजगीर सभी धर्मों की स्थली रही है, यहाँ पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। बिहार गरीब राज्य होते हुए भी यहाँ के इंतजाम काफी बेहतर होते हैं। राजगीर के पर्यटन स्थलों और यहाँ के निवासियों के लिए जल्द ही गंगा जल की आपूर्ति इस महीने में कर दी जाएगी। आप लोग भी अगर खुश होइएगा तो इन सब चीजों को जरा प्रचारित कर दीजिएगा, ताकि पता चलेगा ये गरीब राज्य बिहार में क्या क्या होता है और कितना बढ़िया से सब इंतजाम किया जाता है। तो सब लोग जाने, सभी जगह पर सर मीडिया का रोक लगा हुआ है, प्रचार कैसा चलेगा। बिहार के उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है। मोकामा में आरजेडी की नीलम देवी ने जीत हासिल की, तो वहीं गोपालगंज में बीजेपी ने परचम लहराया। बता दें, मोकामा विधानसभा के मैदान में दो महिला उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर थी। ये दोनों बाहुबलियों की पत्नियां हैं। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी के बीच सीधा मुकाबला रहा। अपने पटना आवास पर मौजूद नीलम देवी ने अपनी जीत पर विक्ट्री साइन बनाकर जनादेश का स्वागत किया और अपनी जीत पर खुशी जाहिर की है। प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड में जनता से संवाद करते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, नवलपुर बेतिया रोड की हालत ऐसी है कि कोई 5 किलोमीटर चले तो उसे दमा हो जाए। साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी बताया, योगापट्टी में नीतीश कुमार आए थे और किसी ने मंच पर जूता उछाल दिया, इसलिए गुस्से में वो यहां से रोड नहीं बनने दे रहे हैं। 1.5 लाख लोग परेशान हैं और 15 साल से रोड नहीं बनी है, और स्थिति तभी सुधरेगी जब हम लोग जागेंगे। अपनी नहीं तो अपने बच्चों की चिंता करिए और एक बेहतरीन विकल्प बनाइए। खबर सुपौल जिला के राघवपुर प्रखंड क्षेत्र से है, जहां व्यापार मंडल चुनाव मतदान हुआ, जिसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद पर अर्जुन जायसवाल की जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद नए अध्यक्ष अर्जुन जायसवाल ने कहा कि पैक्स में बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसको हम हर संभव खत्म करने का प्रयास करेंगे। मैं समुदाय स्कूल में एक सहायक टीचर हूँ,
अभी आप यहाँ पे क्या है, पीठासीन पदाधिकारी है? जी हाँ। ये व्यापार मंडल का जो चुनौती मतदान जारी है, इसमें अभी तक कितना मतदान हुआ? 137 टोटल हुआ। टोटल कितने वोटर है यहाँ पे? 295। 295 में टोटल अभी तक में 11 बजा है करीब करीब, कितना हो चुका है मतदान? 137 हुआ टोटल। अच्छा, 137 हो गया। किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इससे आगे जो मेरे प्रत्याशी अध्यक्ष है, उससे पहले मैं व्यापार मंडल का फोन 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। और मेरे कार्यकाल में जब धान खरीद हुआ तो इस पर बहुत हद तक मैं अंकुश लगा दिया। कुछ कारण ये है कि यहाँ के धान से, धान में चावल का उतना नहीं हो सकता है, तो कुछ धान ज्यादा देना पड़ता है। मोतिहारी में जेडीयू की पूर्वी चंपारण जिला इकाई ने सद्भावना बचाओ देश बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारत सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दीप जलाकर स्थानीय नगर भवन में किया। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मंजू देवी ने की और संचालन ममता परिषद के जिला अध्यक्ष संत सिंह कुशवाहा ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाजपा अति पिछड़ा, पिछड़ा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अस्वर्ण समाज के कमजोर लोगों का विरोधी है। उन्होंने जदयू कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को 2024 में दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने के लिए हम सभी को मिलकर पार्टी को मजबूती प्रदान करनी है। पार्लियामेंट से भी बड़ी संस्था हो जाती है, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट से भी ज्यादा ताकत, केंद्र की सरकार से भी ज्यादा ताकत अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। कोई निर्णय केंद्र की सरकार कर लेती है, भारत की सरकार भी कर लेती है, और कोई एक व्यक्ति उस निर्णय के खिलाफ चला जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और वहां बैठे हुए जज साहब को क्या लगता है? जज साहब एक कलम उठाते हैं और भारत सरकार के निर्णय को भी समाप्त करने का काम, पार्लियामेंट के निर्णय को भी समाप्त कर देने का काम। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 8वां सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने किया। विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा की पद्धति है। इसका इलाज पहले के समय में काफी किया जाता था, लेकिन आज भी आयुर्वेद से जड़ से बीमारी ठीक करने की शक्ति विद्यमान है। तो वहीं इस मौके पर कई डॉक्टर मौजूद थे। सेमिनार का उन्होंने प्रोग्राम रखा है जो 2 दिवसीय है। पहले हम लोग सेमिनार सुनते थे जब छोटे छोटे लोग थे, तो सेमिनार में कहाँ डॉक्टर साहब का सेमिनार। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर थाना परिसर में जनता दरबार लगाकर 3 भूमि विवादों का निपटारा किया गया। मौके पर थाना अध्यक्ष अनंत राम मौजूद रहे, तो वहीं जनता दरबार की जानकारी देते हुए अचला अधिकारी विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि पहले के 3 मामले को निपटाया गया, एक और आवेदन प्राप्त हुआ है जिसको लेकर दूसरे पक्ष को भी साक्ष्य दिखाने का आदेश दिया गया है। साक्ष्य प्राप्त होने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जनता दरबार में थाना अध्यक्ष रामनगर, सरकारी अधिवक्ता रामनगर उपस्थित थे, जो कि बगान न्यायालय में सरकारी जैसों की पैरवी करते हैं, इनके समक्ष सुनवाई की गई। पूर्व के 3 मामलों को निष्पादित किया गया और एक मामला आज नया प्राप्त हुआ है, उसमें द्वितीय पक्ष को नोटिस किया गया है। साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद उसमें अग्रेतर कर। कोरोना काल के बाद विश्व प्रसिद्ध सोनपुर का मेला लगने जा रहा है। इस बार लोगों में मेले को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस मेले के पीछे कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। मेले में सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के साथ
अस्त्र शस्त्र और हाथी घोड़ों का बाजार लगता रहा है। इस बार सोनपुर मेले में बड़े बड़े झूले और कश्मीरी दुकानें सब कुछ बनकर तैयार हो रहा है। मेले की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था अभी से ही चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है, जबकि अभी मेला लगना काफी बाकी है। क्या मेला में रौनक दिख रहा है? अभी तो मेला में लोग आ ही रहे हैं। किस नस्ल का घोड़ा है आपका? मेरा नुकरे नस्ल का। अच्छा, ये घोड़ा कभी रेस उस जीता है क्या? नहीं, वो तो बच्ची है ना। अच्छा, कितने महीने का है ये घोड़ा? 8.5 महीने का बच्ची। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुशांत कुमार सिंह। कहाँ से घोड़ा लेके आए हैं? इस घोड़े की क्या खासियत? घोड़ा का बहुत से ऐसा खासियत है, घोड़ा एक बड़न काली है जी। काली घोड़ा अच्छा माना जाता है, अच्छा नस्ल के घोड़ा है और जितने दिन से रखे हैं काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सीधा है और इसको हम लोग बच्चे से पोल पास कर अभी तक इतना बड़ा इबादल है। स्वीटर, स्वीटर तो इससे कितने प्रकार के स्वीटर भी गिराई हो सकती? जितने प्रकार का बनवा लीजिए, जैसा बनवा लीजिए, अच्छा से अच्छा जितना बढ़िया बनवाना है बनवा लीजिए। आप बना कर स्वेटर बेचते हैं या फिर बना के भी बेचते हैं? अच्छा, जो आएगा खड़ा होकर बनवा के? हाँ, नाप से बनता है। में ये खासियत है कि हमारी जो चीज़ें होती हैं वो हैंडलूम की रहती है सारी चीज़ जी। और ये जो मार्केट में आपको यहाँ मिलेगा वो लोकल आइटम मिलेगी, जैसे लुधियाना अमृतसर का हो गया, यहाँ तो कश्मीर का ही आइटम मिलेगा, हैंडलूम का ही मिलेगा सर, और रिजनेबल प्राइस में मिलेगा। डांस है जी, उसके बाद नाव है, टोरा टोरा है, टावर झूला है जी, मौत कुआँ है। तो अभी कोरोना काल के बाद कितने दिन बाद यहाँ आए हैं? मिले में 3 साल के बाद यहाँ आए। क्या उम्मीद लगता है इस बार? बहुत अच्छा उम्मीद लेके आए हैं। विशाल कुमार, जो ड्रोन लेके आप पूरे मेला दिखा रहे हैं जी, जी। कोई ऐसा इलाका है जहाँ कुछ किस तरह की घटना घटती हो? नहीं। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां सिख समुदाय ने गुरु गोविंद की जयंती पर नगर में नगर कीर्तन सह शोभा यात्रा निकाली गई। नगर कीर्तन में सिख समुदाय के लोगों ने संकीर्तन भी किया। शोभा यात्रा में एक सुसज्जित ट्रक से गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। महिला मंडली ने भी कीर्तन प्रस्तुत किया। गाड़ी में निकली झांकी के पीछे सिख समुदाय के सैकड़ों बच्चे, युवा महिलाएं और पुरुष कीर्तन सह शोभा यात्रा में शामिल हुए। देख रहे हैं जो सिख धर्म में निकाली जा रही है, पहली पातशाही जो गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी और सर्व को एक ही उपदेश दिया पूरे संसार को, सच के साथ जोड़ना, किरत करनी, मेहनत करनी और आपसी प्यार, एक दूसरे के साथ प्यार करना। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मझौलिया में हनुमान आराधना मंडल महाकालेश्वर झांकी सोनेलाल बाबा के द्वारा भगवान श्री सीताराम एवं हनुमान जी का पूजा अर्चना की गई। साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आधी रात तक जारी रहा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। इस दौरान पंडित धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि धार्मिक कार्यों के आयोजन से वातावरण शुद्ध होता है। हनुमान जी को कलयुग में सर्वश्रेष्ठ एवं शक्तिशाली देवता होने का आशीर्वाद प्राप्त है। राम भक्त हनुमान की आराधना से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। सहरसा के कोशी प्रमंडल के आयुक्त श्री गोरखनाथ जी ने फीता काटकर डायलिसिस का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा यहां की जरूरत है। श्री नारायण मेडिकल कॉलेज लोगों को निरंतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहा है, ये गर्व की बात है। कोशी क्षेत्र के लिए ये गौरव का क्षण है। कोशी के मरीजों को किसी भी तरह के इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें, श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल में कई तरह के रोगों का इलाज बहुत कम पैसों में किया जाता है। वो दिन दूर नहीं जब कैंसर जैसे घातक रोग इलाज यहां होना शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में ये हॉस्पिटल मिनी एम्स के नाम से जाना जाएगा।
हम लोग बहुत जल्दी सर से अभी वही डिस्कस करने वाले थे, हम लोग ऑन्कोलॉजी की भी बात हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग कैंसर के लिए हो सकता है इस 10 या 15 दिन में सर हम लोग एक फिजिशियन को डाल रहे हैं और उस पर आगे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंसर के मरीज मिल रहे हैं सर, खान पान सब बिगड़ गया, इसलिए हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। नारायणा मेडिकल कॉलेज में एक फैसिलिटी लोगों के लिए बढ़ाई गई है डायलिसिस, सहरसा एक प्रमंडल है लेकिन सहरसा में स्वास्थ्य की सुविधाएँ जो भी सरकारी स्तर पर या प्राइवेट स्तर पर उसमें एक बेहतरीन योगदान उन्होंने दिया है और जो उससे यहाँ के लोगों को लाभ मिला है। कि अभी के सिचुएशन में डायबिटीज़ के शिकार लगभग 40% आबादी है, डायबिटीज की जो प्रॉब्लम होता है तो वो किडनी खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के रामनगर से है, जहां भगत सिंह चौक के समीप दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा एक कपड़ा व्यवसायी को चाकू से गोद गोद कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। अपराधी व्यापारी को जख्मी कर वहां से फरार हो गए और आनन फानन में स्थानीय व्यवसायी की मदद से उसे रामनगर PHC लाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेतिया सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घरेलू अपना झगड़ा कहीं किसी से हुआ है, प्राथमिक उपचार डॉक्टर के बतिया बेहतर इलाज के लिए बतिया दीजिए। कंडीशन क्या है सर? कंडीशन ठीक है, कोई खास नहीं है, लेकिन CT स्कैन करा कर देख लेना है। माथे में चोट? माथे में सर, वो चाकू से जैसे कि नवादा के कादिरगंज OP क्षेत्र के शादीपुर हॉल्ट के पास पुलिस ने एक अज्ञात शव को बरामद किया। दरअसल ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया। इस अज्ञात बुजुर्ग की उम्र लगभग 70 वर्ष बताई जा रही है, तो वहीं ये मौत कैसे हुई अब तक पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस शव की पहचान कराने में जुटी हुई है। अज्ञात है सर। अच्छा, कैसे क्या हो गया था? पता नहीं सर। अच्छा, क्या कुछ निशान उशान है मारूर का? कोई जी नहीं सर। कितना उम्र होगा? लमसम होगा, बूढ़ा है, 50 से ऊपर होगा, 60-70 लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश राजवल। क्या है आप? चौकीदार है। नवादा नगर के नवीन नगर मोहल्ले में संचालित एक कोचिंग में छात्रा का यौन शोषण का मामला सामने आया है। बता दें, पीड़िता के साथ उसके कोचिंग में पढ़ाने वाले सर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामला सार्वजनिक होने के बाद पीड़िता के बयान के आधार पर FIR दर्ज किया गया और चिकित्सकीय जांच के लिए उसे सदर हॉस्पिटल लाया गया, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्लास करने जाते थे। क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? जबरदस्ती किया है। कौन है? जहाँ पढ़ने जाते थे वो। कौन है? क्या नाम है? वो शिक्षक है, वहाँ पढ़ाई करने जाती थी तुम? हाँ। नवादा में गांधी इंटर विद्यालय के प्रांगण से नशा मुक्त बिहार जागरूकता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर DM श्रीमती उदिता सिंह ने रवाना किया। 10 किलोमीटर की ये दौड़ गांधी इंटर स्कूल के प्रांगण से 0 माइल प्रजातंत्र चौक होते हुए गांधी इंटर स्कूल में समाप्त हो गई। इस अभियान में पुरुष वर्ग के 36 आवेदन एवं महिला वर्ग से 20 आवेदन प्राप्त हुए, तो वहीं मैराथन में प्रथम से लेकर 10वीं स्थान प्राप्त करने वालों को चेक देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद थी। इस मौके पर श्रीमती उदिता सिंह, नवादा सदर SDM, नवादा सदर SDPO उपेंद्र प्रसाद, उप विकास आयुक्त, सभी जिला के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।
रोहतास में नशा मुक्ति के लिए सासाराम में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दौड़ प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स से जुड़े युवा और युवतियों सहित छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को डीएम धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुरस्कृत किया। इस दौरान डीएम धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि पूरे बिहार में नशा मुक्ति के लिए लोगों के बीच समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रोहतास जिले में भी नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान डीएम ने नशा मुक्त जिला बनाने के जिलेवासियों से अपील की है। जिला के स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं और साथ ही साथ जो हमारे सामने जो यहाँ पे जो हमारे जो है रनर्स उपस्थित हैं, उसमें भी दो टाइप का कैटेगरी है, विद इन 16 और फिर एबव 16 ईयर्स वाला। जमुई झाझा में जमीन को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई। बता दें कि झाझा चरघरा के रमेश यादव ने कुछ लोगों के साथ जमीन को लेकर हेमंत बाका के साथ मारपीट की। मारपीट में हेमंत बाका बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसे झाझा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया और स्थिति नाजुक होने के कारण जमुई सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पूर्वी चंपारण के चिरैया के गोरैया बाबा मंदिर कुर्निया पुल के पास अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने दुकान बंद कर लौट रहे फर्नीचर व्यवसायी से मारपीट व गोलीबारी की और वहां से भाग निकले। पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि पीछे से एक अपराधियों ने गोली चलाई और मोटरसाइकिल की चाबी मांगी और चाबी नहीं देने पर गोली मार दी, तो वहीं मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है। बंद कर दें। अच्छा, अब बंद करके उनके वाला से चल देना तो बुरे बोल नहीं सकता, सजा होते रहे तो जो लगने वाला से चल दे बुरे बोल। जब पुल पार करो तो इन तले एक भी पीछे से आ गए अपराधी लोग। हाँ, अपराधी लोग आज पीछे आए तो हम जामा ही नहीं पकड़, जामा पकड़ने के बाद इन्हें फायरिंग करना, पहले फायरिंग किया। हाँ, पहले फायरिंग करना तो उसके बाद में हमारा ना लगल गोली, तो एक बार तो बैठा हाकत रहे जो गाड़ी है वो उतर के हमारे के जाने में मार दे। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।